नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। कुछ ही दिनों में नए साल का आगमन होने वाला है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए शुभ और खुशियों से भरा रहे। ऐसे में आज हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार काले घोड़े के नाल के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप नए साल के पहले दिन करते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती है। मान्यता अनुसार काले घोड़े के नाल घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। इससे घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। काले घोड़े के नाल वास्तु दोष से छुटकारा दिलाने में भी मददगार होते हैं। इससे परिवारजनों की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। चलिए जानते हैं नए साल के पहले दिन के लिए काले घोड़े के नाल के कुछ आसान उपायों के बारे में। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में काले घोड़े की नाल लगाना बेहद शुभ होता है। ऐसे में अगर आप नए साल के अवसर पर काले घोड़े की नाल को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाते हैं तो इससे परिवारजनों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद वास्तु शास्त्र के अनुसार काले घोड़े की नाल को घर के मुख्य द्वार पर लटकाना भी काफी शुभ फल देता है। ऐसे में अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नए साल के अवसर पर काले घोड़े के सीधे पैर की नाल को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। इससे आपको पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप बहुत समय से जॉब की तलाश कर रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो नए साल के पहले दिन आप काले घोड़े की नाल से बने छल्ले की अंगूठी को बीच की उंगली में पहन लें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपको जल्द से जल्द अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप या आपके परिवार में अक्सर कोई ना कोई बीमार रहता है तो नए साल के अवसर पर आप काले घोड़े की नाल के चार कील बनवाएं। फिर आप इसको 1.25 किलो उड़द की दाल, 1 सूखा नारियल के साथ बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में बहा दें। इस उपाय को सेहत में जल्द सुधार होने लगता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।